अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो हम करवा देंगे नाश्ता, अभी तो आपको सीट बेल्ट का जुर्माना भरना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर किनारे लगा दीदी, 1000 बहाने बताओगे, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों परेशान हैं। बताइए, ट्रैफिक विभाग जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है, उनका कहना है कि पुलिस कप्तान के निर्देश पे कार्रवाई जारी, किस तरह की कार्रवाई और क्या आपका कहना? मोटर व्हीकल एक्ट में जो धाराओं का उल्लंघन होता है, जिसमें हेलमेट बिना लगाए हुए मोटरसाइकिल का चालन, साथ ही साथ फोर व्हीलर में बिना सीट बेल्ट लगा के चलना, ये दो बड़े कारण हैं जिनसे रोड एक्सीडेंट में लोगों की डेथ होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी अभियान चलाया गया है, उसी तारतम्य में जिला देवास पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें यातायात पुलिस अग्रणी रूप से कार्रवाई कर रहा है, बाकी अन्य थाने भी कर रहे हैं। इसमें विशेष फोकस ऐसे चार पहिया वाहन चालकों के ऊपर है और उनके सामने बैठे हुए अन्य सवार के ऊपर जो बिना सीट बेल्ट लगाए हुए चल रहे हैं। क्योंकि अपने ज़िले से काफ़ी हाईवे गुजरते हैं जिनमें अत्यंत तीव्र गति से वाहन चलते हैं और एक्सीडेंट भी बीते समय में हुए हैं, तो इस प्रवृत्ति पर लोगों के रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी बेहतरीन कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, देखने में आया है कि समझाइश भी जो है ट्रैफिक पुलिस दे रही है, क्या आपका जीवन अमूल्य है, इसको आप सीट बेल्ट लगाइए, पास में बैठे व्यक्ति का भी लगाइए, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया दृश्य। निश्चय ही अपना उद्देश्य मुख्य यही है कि लोग सीट बेल्ट धारण करें और स्वप्रेरणा से धारण करें। इस दिशा निर्देश में ये भी बताया जा रहा है लोगों को कि भाई समझें, अपनी जान की कीमत समझें, जो नुकसान होगा वो आपको चोट लगेगी, आपके परिवार के आपके पीछे क्या होगा, या जीवन भर की अपंगता भी हो सकती है, तो इस संबंध में भी लोगों को बताया जा रहा है और लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और उम्मीद है कि जो अपने ज़िले से गुजरने वाले हाईवेज हैं उन हाईवे पे सीट बेल्ट लगाने की संख्या न केवल बढ़ेगी बल्कि 100% सुनिश्चित होगी।